क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों के, तुम्हारा भी वापस आ चुका है तुम्हारे लिए एक अमेजिंग ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे एक अमीर बच्चे के ब्लॉग्स, वो अमीर बच्चा जिसकी उम्र के पीछे पड़ गए सारे के सारे। हाँ तो व्यूज के लिए करना पड़ता है, जब सब पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ सकता क्या? तू भी पढ़ा है पीछे, ठीक है ना, बकचोदी मत कर। बट मैंने एक वीडियो बनाया था, बाकी सबने बहुत सारे बनाए। पर आंटी भी तो झूठ बोल रही थी ना फेस पर, ठीक है हमारी मम्मियों को आदत होती है, पता नहीं तुम्हारी मम्स को है कि नहीं है, लेकिन मैंने अपने में और बाकियों में देखा है आंटी अपने बच्चों की उम्र बड़ी नहीं होने दे रही। एक आंटी है, उसका लड़का मेरे जितना है, हम साथ में खेल रहे हैं बचपन से, 10 साल हो गए साथ खेलते खेलते, फिर भी अगर आंटी के सामने उसके बच्चे की उम्र पूछे ना तो वो बोलती है अभी तो 15 का। मैं कहा आंटी मेरे साथ ये क्यों नहीं, साला 15 से ऊपर जा रहा है। बट रिया की मम्मी अलग है, ये हाई क्लास लोग। तो मैं तो ऐसी कॉन्टेंट ढूंढ रहा था तो मैं सोचा व्लॉग्स ही देख लेते हैं, अब काय को एज के पीछे पड़ना, ऐसा जरूरी नहीं। तभी बोलते हैं पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब ने एक नई चीज निकाली है कि अपना एक हैंडल का नेम दे सकते हो आप। इसने अपने हैंडल का नाम दिया है रीवा अरोड़ा चैनल। अगर आप रीवा अरोड़ा भी रख दोगे तो वो चैनल ही है ना, लिखने की क्या लोड़ है। मैं अगर 9th B क्लास में हूँ तो मैं अच्छा थोड़ी लगे अपना नाम क्या लिख रहा हूँ, रोहित बुमोला 9th B। बात तो सही है। रीवा ने एक वीडियो डाली, इंडिया फर्स्ट आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो कौन सा तीर मारा, आपके लिए क्या ही फर्क पड़ता है आईफोन 13 सबसे पहले लेना। आजकल के बच्चों के शौक ही बदल गया है, लिख कर दे सकता हूँ अगर किसी ने पूछा होगा आईफोन 13 प्रो मैक्स ले रही हो, माय गॉड टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार लगता है आपको। कलर अच्छा इसलिए ले रही हूँ। क्या रैम, ये क्या होता है, अरे कैमरे वैमरे से कुछ लेना देना, कलर अच्छा बस इसलिए ले रहे। उल्टी आती है साला आईफोन देखकर, हकीकत में बताऊं मेरे को कूड़े में से मिला था, इस साले को कूड़े में फेंकूंगा आज आईफोन को। लिविंग ऑन 100 rupees फॉर अ डे फूड चैलेंज, 100 rupees में एक दिन निकालना है और रीवा को ये चैलेंज लग रहा है। अब हसीना छुटे तो क्या छुटे, पता नहीं आजकल के लौंडों को या लड़कियों को लग रहा होगा बड़ी बात, हमें 10 से 20 rupees मिलता था, हम एक क्या दो दो दिन निकाल देते थे यार। 100 rupees में एक दिन निकालना कौन सी बड़ी बात है, 10 rupees के समोसे एक टाइम खा ले, 20 की टिक्की एक टाइम खा ले, दोपहर की शाम के लिए तो तेरे पास फिर भी कितने बच गए यार, 70 rupees बच गए। मैं बता रहा हूँ 100 rupees में तो 2 दिन निकल जाए, 3 दिन निकल जाए। एक टुकड़ा उठा किसका, ककड़ी का, हाँ ककड़ी का, और फिर इधर रखने का। आपको चैलेंज से डर लगता है मेरे? नहीं मुझे स्पाइसी नूडल्स तो वैसे नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं चैलेंज से नहीं डरती, आई लव चैलेंज, ओके, एंड आई लव When you lose the challenge. लड़की आपस में मम्मियों के साथ कैसे रहती है ना, ऐसा लग रहा है दो सहेलियां बात कर रही हैं। अब तक तो झाड़ू बेलन बच्चों का होता हमारे सर पे, मम्मी चैलेंज करेंगे, क्या चैलेंज करेगा जाके पढ़ाई का, पापा चैलेंज थप्पड़ खाएगा जाके पढ़ाई में। पापा की परी, ब्रेकफास्ट से डिनर के लिए 100 rupees दिया, मम्मी ने कहती घर से तो खा सकते, घर पे कैसे खा लेगी, और घर पे खा रही है तो पैसे थोड़ी देगी, एक्टिंग करनी है पढ़ाई करनी नहीं है। भारत माता इसे कुछ नहीं आता, रिपीट कर ले, कड़ी चावल की प्लेट आ जाती है चल छोड़, दोपहर को पकड़ते हैं तेरे लिए हेल्दी, कड़ी चावल की प्लेट आती है 25 rupees की, दोपहर को तूने कड़ी चावल की प्लेट खा ली, तेरे छोटे से पेट के लिए बहुत ज्यादा होती है वो 25, 35, 45, अब तेरे पास कितने रुपए बचे, 55 rupees बचे, सिर्फ डिनर रह गया 55 rupees। मैं बता रहा हूं रिपीट हो जाना है, 2 से 3 दिन का निकल जाएगा 100 rupees में, हमसे पूछो ना, हमें मिलते थे 10 rupees। हम शुद्ध गरीब है, अरे हम भी खानदानी गरीब है, वो तो गलती से अमीर हो गए थे। देखो रीवा, चैलेंज इज अ चैलेंज, अब 100 rupees में कुछ आए या ना आए वो आपका लुकआउट है, मेरा नहीं। क्या नहीं आता है आंटी, कहाँ कौन सी दिन, 100 rupees में बहुत कुछ आ जाता है, हमारी पॉकेट मनी होती थी महीने की, महीना निकालते थे 100 rupees में, एक दिन के दे रहे हो। मॉम एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा 2000 कर दो, क्योंकि इसमें ये तो थोड़ा सा कुछ भी नहीं आएगा, 2000 थोड़ा सा है। तो आंटी क्रेडिट कार्ड अपना डेबिट सब दे दो इसको, चैलेंज क्या माँ की आंख में, पिज्जा बर्गर सब खा लेगी, 2000 रशियन आ जाती, क्या बात कर, मुझे 10 का नहीं है, 20 का ही है।
भैया भी लाएगा। अबे 10 रुपए का देते, 20 का गिलास 10 रुपए में किस खुशी में देते। मैं यहाँ दुकान चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ मैं। और भाई अगर तूने दे दिया ना, मेरी बात सुना, बात तेरी और मेरी अड़ी पर आ गया, तेरे को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। और भाई मैं मारूंगा भी नहीं तेरे को, मैं बोलूंगा कि क्यों कर रहे हो भेदभाव। तू देगा नहीं, तू देगा नहीं 10 का, किसी भी हाल में नहीं देगा। तेरी मामा की लड़की लग रही वो, तू नहीं देगा। को क्या मिलेगा, गन्ने का जूस पिला पिला के वो घर में जाएगा, घर चलाएगा। ये क्या बात बनी, उसका चैलेंज चल रहा है यार, दे दो ना 20 का 10। अरे चैलेंज से जूस वाले का क्या, ये क्या बात हुई, ये कैसी दलील हुई उसके आगे रखने की। उससे मेरा क्या फायदा, चैलेंज चल रहा दे दो ना भैया, फ्री में ही ले लो 10 रुपए भी क्यों कमाने देने उसको। बोलो कि चैलेंज चल रहा है भैया बेचारे रीवा का, फ्री में दे दो, दे देगा। लेकिन तू लौंडे पिघलेगा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू पिघला ना तू दंगे छिड़ा, मैं खेलूंगा ही नहीं मैं। हाँ बैठ रहा हूँ, तू तो कुछ बोलता नहीं है बेटा, मेरे को ही लड़ना पड़ता है लॉन्डो के राइट्स के लिए। पांडा साला चूतिया, खेल ले भाई तू, तू दे दे तू 10 का दे दे तू, तेरा दुकान नाम कर दे, पेपर वर्क वगैरह सब करवा देंगे, दे दे रीवा को, दे दे अपनी दुकान, आंटी के नाम कर दे, आंटी की उम्र का तू छोड़, क्यों ही खोल रखे तूने दुकान, क्या मिलेगा घर, पैसा थोड़ी कमाना है, रीवा का चैलेंज चल रहा है, दे दे। ये तो बहुत ही जेन्युइन हो गया जी, पहले मुंह हंसता हुआ दिख रहा है, मतलब बढ़िया है जी, डन, बढ़िया प्रैंक है जी, स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है जी, बढ़िया है जी। इतना खतरनाक जमकट बजाया अभी, तुम समझ रहे हो, अगर एक फ्लो में भी चले ना तो भी मैं समझू कि चलो यार मेहनत कर रहे हैं एक्टिंग में, जमकट बजाया, हंस गए दोनों के दोनों, उसके बाद फिर कट बजाया, उसके बाद दोबारा से वही कैमरा कुमरा ठीक जगह लगा। एक साला मेरा ही भाई है जिसको मौत पड़ी रहती है सच में प्रैंक करने, कभी सच में आधी रात को मेरे ऊपर सांप छोड़ दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ बोलता मैं उसको कि भाई यहाँ पे स्क्रिप्टेड चलता है, फेक किया कर, तेरे क्यों लगा रहा तू, सॉफ्ट हो जाएंगे, तू है क्या बालू में, वो सब अच्छा होगा। मानता ही नहीं है, कहता जेन्युइन एक्सप्रेशन निकालूंगा, भाई भाई निकल जाएगा एक दिन तेरा कुत्ता। हाँ मतलब एक दिन मामा बाहर गए अभी एक घंटे के लिए, अचानक से आते हैं तो पता लगता है रीवा बाथरूम में गिर गई, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल मस्त लग रही है, बस एक सर पे सनी देओल की बहन बन के बैठी है पट्टी बांध के और बोल रहे मेरी याददाश्त चलेगी और मम्मी बिलीव कर ले। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। तीसरी बार कट बजा, ये जो चिंगारी बज रही है ना समझ रहे, उसके बाद इनके हंसी हंसी छूट रही है, कुछ ब्यूरा डायलॉग्स बोल रहे हैं, उसके बाद दोबारा से एक बार ऐसे गेम स्टार्ट हो रही है कि चलो अब दोबारा से करते। सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है, तेरा नाम है रीवा अरोड़ा और जो इस प्रैंक को समझे वो है साला बैंड। तो मजा आएगा, बड़ा अच्छा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूल रहा, देख लो तुम्हारा रोहित कितना प्यारा, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लाके दिखाता तुमको तो कोई और यूट्यूबर नहीं दिखाता, रीवा के व्लॉग्स। मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ध्यान रखो, मजे मारो, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू। होश बातों का अक्सर नहीं था, वो दिल हमारा भी शायर नहीं था, तू न दिख दी ये तकदीर वरना इश्क वाला मुकद्दर नहीं था, तेरी नजरों के करम पीने हैं दिलो धर्म, ये जादू की जा चाहे कुछ और सितम, नहीं संभला दिल मेरे संभाले इसे कर डाला तेरे हवाले, तू मिटा दे या चाहे बना ले, जा इश्क बे मेरे चला ले अपनी मर्जियां, आशिक तेरा 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 तेरा।